तो उतरने। अभी अच्छी लोकेशन पर किला बनवाया। ये इधर का पार्ट आपको दिखाएंगे जो कि काफी डरावना लग रहा। हेलो गाइस, स्वागत है नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह हो चुकी है और मैं आया हूँ अपने अभी खेत पर। आज हम चलेंगे कचौरा घाट राजा महेंद्र हरदमन सिंह के किले पर। किले की कुछ रहस्यमयी जानकारियों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं गाइस, तो अभी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं इटावा भाटू आगरा रोड कचौरा घाट पर। यमुना नदी के सेतु पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं यमुना नदी है, इधर भी आप देख सकते हैं यमुना नदी है। इस नदी के पुल का उद्घाटन स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के कर कमलों द्वारा सन 2006 में हुआ था। तो गाइज दृश्य काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पुल पर हम खड़े हुए हैं यमुना जी के। इधर आप देख सकते हैं यमुना जी में पानी बह रहा है और यहाँ राजा जी का जो किला है उस पर अभी हम चलेंगे। जो कचौरा घाट किला राजा हरदमन सिंह का है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम जाके रिव्यू करेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे आपको। यहाँ शिव शंकर भगवान का मंदिर भी है जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस दृश्य काफ़ी अच्छा है जो हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं किला की तरफ जो आपको दिखाएंगे, जो काफ़ी पुरानी इमारत है, राजा महाराजाओं की धरोहर है जो है आपको। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कचौरा घाट नामक ग्राम है और राजा जी हरदमन सिंह मदावर का किला है ये, जो कि अब काफ़ी दिन हो गए इसे खंडर टाइप का हो गया है। जो ऊपर से दीवारें इसकी टूट टूट के नीचे गिरने लगी हैं। अभी भैया मिले हैं हमें, इन्होंने रास्ता बताया। रास्ता काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, हम ढूंढ ही नहीं पा रहे थे किधर से जाना। क्या नाम है भैया आपका? रिसु यादव। रिसु यादव। तो राजा जी का नाम क्या था किला वालों का? हरदमन सिंह मदावर। चलिए, तो ये किला अब जो है काफ़ी पुराना सा हो गया है, तो गिर रहा है नीचे ऊपर कदर। बहुत पुराना हो चुका है अब, इसमें मतलब कोई रहता रहता नहीं है इसलिए। इस गाँव का नाम क्या है? कचौरा घाट। कचौरा। तो जैसा कि गाइज हमने आपको परिचित कराया, अब हम चलते हैं किले के ऊपर। तो गाइज रास्ता काफ़ी कठिन है, आप देखते हैं चलते आगे हुए। इस पे ऊपर से पहाड़ से खिसक खिसक के नीचे आ गए हैं जो रास्ते को और कठिन बनाते हैं। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से दो रास्ते हैं जो कि इधर जाता है एक रास्ता और एक रास्ता इधर जाता है। इधर कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं हम कि कौन सा रास्ता हमें किले तक पहुँचाएगा। और करिए चलते हैं, इधर के रास्ते को बढ़ते हैं आगे, लेकिन कठिनाई फिर भी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। अरे आइए गाइस, लगता है हम गलत आ गए। किला तो हमें यहाँ से दिख गया है, लेकिन वो ऊपर जाने का रास्ता अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि हम किधर से जाएं। गलत रास्ते पर आ गए हैं, ये रास्ता किले तक नहीं जा पा रहा है। अब हम चलते हैं वापस और उसी रास्ते से चलते हैं, शायद वो रास्ता हमें किले तक पहुँचा पाए। बोलते चलो उसी रास्ते से हम किले तक पहुँचेंगे। तो गाइस फिर से बहुत दिक्कत हो रही है। आइए इधर तो काफ़ी कठिनाई है, जोड़ के बोलने के बबूल के पेड़ होने के कारण थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। संभल के थोड़ा, कांटे भी हैं इधर, बन सकता है। चलिए आइए, अब गाइस काफ़ी कठिनाई भरा रास्ता है। हो सकता है गाइस, हो सकता क्या, यही है मेरे जीवन का सबसे कठिन रास्ता, अब तक का सबसे कठिन रास्ता। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे किला हमें दिखने लगा है, तो मंजिल काफी पास आ गई है, लेकिन मेहनत तो काफी हो गई, कठिनाई बहुत पड़ी आने में। बहुत ही कठिन रास्ता। हमारे कैमरामैन थोड़ा संभल के, कैमरामैन थोड़ा संभल के, पैर फिसलने का डर, अगर पैर फिसला।
तो गाइज अगर यहाँ से पैर फिसला हमारा तो आप देख सकते हैं क्या हाल होने वाला है। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं ये बिल्कुल खसने लगा है, अब गिरने लगा है, इसकी दीवारें भी काफी गिर गई हैं। नीचे तक हो सकता है कि ये हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। चलिए आइए। अब गाइज काफी कठिनाई भरा रास्ता है। तो अब गाइज किले पर हम पहुँचने वाले हैं, चलते हैं। थोड़ी सी कठिनाई और है वो किले की शुरू हो जाती है। कितना ऊंचाई पर किला बना हुआ है, काफी हाइट है यहाँ से देखने पर। यहाँ से अगर पैर फिसले या गिरे हम तो शायद ही है कि हम सुरक्षित बच पाएंगे। किला गाइस काफी अच्छा है देखने में, कड़ी मशक्कत के साथ, काफी मेहनत के साथ फाइनली हम किले पर पहुँच गए हैं। अब इसका थोड़ा तो गाइस अब हम पहुँच गए किले के काफी नज़दीक। अब चलते हैं किले के अंदर और आपको अंदर का डरावना दृश्य दिखाते हैं। काफी डर लग रहा है गाइस, डरावनी जगह है, आप देख सकते हैं। आइए कैमरा मैन आइए। अरे संभल के, ये थोड़ी समस्या कांटों की है, इससे थोड़ा बचते हुए निकलना पड़ेगा। आइए तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं किले के पास। पहुंच गए तो गाइस रास्ता काफ़ी कठिन है, आप देख सकते हैं। और अब पहले हम किले का वॉक राउंड ले लें, पहले चारों तरफ घूम के आपको दिखा दें, उसके बाद किले के अंदर चलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रास्ते की बड़ी समस्या है, बहुत कठिन रास्ता है। तो गाइस ज़्यादा पुराना होने के कारण किले की ज़्यादातर हिस्सा है वो बिल्कुल गिर गया है। अब चलते हैं हम, ये आपको दिखा सकते हैं, ज़्यादातर गिरी हुई दीवारें हैं, खस गई हैं। और अब इसके ऊपर चलते हैं, इधर इस दीवार के पीछे देखते हैं क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं अभी। आइए संभल कर, कैमरामैन खतरे में। ओह शिट, काफी जर्जर दीवारें हैं, इनको पकड़ के हम चढ़ भी नहीं सकते हैं। प्रयास करना भी विफल है क्योंकि चोट लग सकती है। रास्ता काफी कठिन है गाइस, काफी कठिन रास्ता है, बहुत कठिन। तो गाइस रास्ता खराब होने के कारण आगे हम नहीं जा पा रहे हैं, काफी बबूल के पेड़ हैं जो कांटों से भरा रास्ता है। तो अब हम दूसरी तरफ आपको दृश्य दिखाते हैं और चलते हैं। तो गाइस ये कुछ ऊंची जगह दीवार हमको दिख रही है, यहाँ खड़े होकर के आपको आसपास का दृश्य दिखाते हैं। आइए, कठिनाई तो काफी हो रही है चढ़ने में इसमें। ये दीवारें जो ज्यादातर हैं वो किला खंडर बन चुका है, गिर चुका है, काफी पुराना किला है। संभल के तो गाइस अब आप देख सकते हैं हम थोड़ी हाइट पे आ गए हैं, ऊंचाई पे। यहाँ से आपको हम दृश्य दिखा सकते हैं, ये गांव है जो कचौरा घाट नाम है इस ग्राम का, यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी भी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से ज़्यादातर भाग है किले का सही तरीके से हमें दिख रहा है क्योंकि हम ऊंचाई पर हैं। किला ऊपर से कुछ इस प्रकार दिखता है, आप देख सकते हैं। दीवारों पे खड़े होने में खतरा तो लग रहा है क्योंकि दीवारों की उम्र काफ़ी हो गई है, तो पता नहीं कब गिर जाए। तो गाइस अब चलते हैं। इस दृश्य डरावना होने के कारण हम अंदर नहीं जा पाए, लेकिन फिर एक बार प्रयास करते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए गाइस, अरे आवाज आएगी लगता है। ओह माय गॉड, क्या दृश्य है, कितना खंडर हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो गाइस किले के अंदर हैं हम, आप देख सकते हैं जो किले के अंदर की जो कलाकृति है वो हम आपको दिखा सकते हैं। जो पेंटिंग्स और मूर्तियां जो बनवाई गई हैं काफ़ी सोच समझकर बनवाई गई डिज़ाइनें हैं, लेकिन अब तो ये काफ़ी हद तक बेकारी हो गई हैं, ढह गई हैं, बिल्कुल गिर गई हैं। अब चलते हैं हम, थोड़ा इधर का दृश्य दिखाते हैं आपको, किले के बाहर का नज़ारा जो दृश्य काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ से जो है वो बाहर का नज़ारा दिखाता है, डायरेक्ट यमुना जी भी यहाँ से दिखती हैं। काफ़ी अच्छी लोकेशन पर किला बनवाया गया था, आप देख सकते हैं सड़क पहाड़ वगैरह, काफ़ी अच्छा व्यू है, दृश्य काफ़ी अच्छा है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे।
तो गाइस यहाँ देखने को मिलेंगे चमगादड़ भी। आप देख सकते हैं काफी पुराना होने के कारण इस कभी महल हुआ करता था ये किला, आज पूरी तरह से। ये इधर का पार्ट आपको दिखाएंगे जो कि काफी डरावना लग रहा था। इसमें हमको पहले से ही लग रहा था कि कुछ इसमें ऐसा कुछ है जो हमको डरा रहा था। आपको हम दिखाते हैं, लेकिन गाइस कमरा जो है वो छोटा ही है इसमें। गाइस ये इतना ही है, यहाँ पर थोड़ा ही एरिया है जो हमने आपको दिखा दिया है। अब आप अंदर से देख सकते हैं, चमगादड़ है इसमें थोड़ा, देख लो इधर से। तो गाइस अब चलते हैं वापस। वीडियो जो है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है, तो अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। कुछ भाग था किले का जो रास्ता ज़्यादा ख़राब होने के कारण हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जो आपको नहीं दिखा पाए। बाकी का हमने आपको जितना हो सकता था काफ़ी तरह ज़्यादा से ज़्यादा जगह दिखाने का प्रयास किया, आपने देखा होगा। अब हम चलते हैं वापस। अब गाइस देख सकते हैं रास्ता काफ़ी कठिन है। तो गाइज रास्ता जितना हमें चढ़ने में कठिन नहीं लगा, उतना उतरने में कठिन लग रहा है, क्योंकि ये ढलान काफ़ी ज़्यादा है, तो पैर अगर फिसलता है भाई दबे तो हम खुद नहीं सोच सकते कि हम कितना नीचे गिरेंगे जा कर के। तो गाइज किला काफ़ी जगह में फैला हुआ है, दीवारें अभी भी ख़त्म नहीं हो रही हैं, काफ़ी देर से हम उतर रहे हैं, उतरते हुए अभी भी नीचे तक नहीं पहुँच पाए। अभी रास्ता काफ़ी कठिन है, यहाँ फिसलने का थोड़ा डर रहता है, बबूल के पेड़ होने के कारण और भी कठिनाई बढ़ती है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, किला जो है वो काफ़ी बड़ी जगह में फैला हुआ है, तो एक छोर का हमने रिव्यू कर लिया था, अब ये दूसरा छोर है। इधर से हम आपको दिखाते हैं कि क्या दृश्य यहाँ दिखाने लायक है। ये आप देख सकते हैं, ये वही दृश्य है किले की चोटी जिसपे अभी हम घूम के आए हैं, जो हमने आपको दिखाया था वो इधर से इस प्रकार लगता है। दृश्य काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। और गाइस ये बबूल के पेड़ है और रास्ता तो काफ़ी कठिन है। अब चलते हैं इधर, हम आपको दिखाते हैं इस छोर पर, दृश्य काफ़ी अच्छा है वो हम आपको दिखाएंगे। आइए, रास्ता काफ़ी कठिन है बबूल के पेड़ होने के कारण, कांटे इनमें जो सूख जाते हैं। गाइस मुझे लग रहा है कि रास्ता यहाँ ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ से हमें रोड जो है वो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इधर से एक रास्ता है जहाँ से हम किले के दूसरे छोर तक पहुँच सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इस रास्ते से होते हुए किले के दूसरे छोर तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम दूसरे छोर आपको दिखा पाएँ, क्योंकि रास्ता आगे है ही नहीं। हम आ चुके हैं, लेकिन रास्ता ये मुझे लग रहा है यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे काफ़ी गहरी खाई है गाइस, काफ़ी कठिनाई और मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो गाइस, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दो, सपोर्ट करो गाइस। आप देख सकते हैं खाई कितनी गहरी खाई है। ये किले का बैक साइड है,